अब उतर गए हैं, अब जा रहे हैं धर्मशाला, जहाँ पे नहाएंगे, फ्रेश होंगे। सारे लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे। ये हैं, ये सारे लोग धीरे धीरे आ गए हैं। और ये है गेस्ट हाउस। सुबह नहा करके हो चुके हैं रेडी। और सुबह के कितने बजे हैं? अभी कितने बज चुके हैं? सुबह के अभी टाइम देखना, 3 बजने वाले होंगे। नहीं, अभी 3 ही बजे होंगे, 2:30 बजे हैं। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं दर्शन के लिए। जो जो नहा चुके हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिर में, क्योंकि लाइन लंबी है। तो बस फटाफट यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि अभी कौन कौन आते हैं। ये भी हमारे साथ तैयार हो चुके हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं, अभी ना लिए जगह खाली नहीं की और अभी सो गए, और हम लोग देखिए जा रहे हैं दर्शन के लिए। वो कह रहे हैं कौन इतना करेगा आलस, छोड़ रहे हैं वो लोग। हाँ, हम नहीं छोड़ रहे आलस, लेकिन हम जा रहे हैं, बाकी बाबा की मर्जी। चल दिए हैं भाई सुबह महाकाल के दर्शन, भस्म आरती के लिए जा रहे हैं। देखिए अगर बाबा का बुलावा होगा तो कृपा होगी बाबा की, तो दर्शन हो जाएंगे। होगी कृपा, हम तो अपने कर्म कर सकते हैं सिर्फ बाबा। इसलिए सूर्य मत देखो बाबा, बाबा यहाँ। सब लोगों ने तिलक लगवा लिया है और बस अब जा रहे हैं दर्शन करने। हार के सारे बैठ गए हैं लाइन में से, क्योंकि ये देखिए बहुत लंबी, पीछे पता नहीं कहां तक लाइन लगी हुई है, अभी पता भी नहीं है, और आगे भी है काफी लंबी लाइन। अब कितनी देर में खुलती है लाइन अभी पता चल जाएगा। लाइन भी चल दी है और हम लोग भी चल दिए हैं आगे, चल दिए हैं बस दर्शन के लिए अंदर। जय भोले की, 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 जय भोले, भोले महाकाल के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और जो है कि यहाँ पे भस्म आरती हो रही है, सब लोग दर्शन कर लीजिए, अपनी अपनी मनोकामना, आप लोगों की भी मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।
ताल मंदिर परिसर, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान की मूर्ति स्थापित है। इस दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, नहीं घर के लिए नहीं, अभी जाएंगे हम लोग धर्मशाला और सामान है और फिर करेंगे। उसके बाद फिर और भी मंदिर जाना है हमें और सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्दी हम लोग आ गए थे और लाइन में लग गए तो इतने अच्छे से दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छा लगा। और अभी सुबह के बज रहे होंगे मेरे ख्याल से 6 नहीं बज, नहीं 6 अभी नहीं बजे होंगे आई थिंक। दीदी कितने बज रहे हैं? 5:30 हो रहे हैं और हम लोग दर्शन करके आराम से निकल चुके हैं चाय पीने के लिए। और यहाँ पे ज्यादातर चाय की शॉप पे पता है क्या मिलता है? क्या मिलता है इधर? हाफड़ा तो जो मिलता है हाफड़ा तो अलग है, या क्या है जो भी है, लंबे है वो हाफड़ा ही बोल। और पोहा मिलता है और पोहा इतना सस्ता मिलता है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। और मेरा हाल देख सकते हैं, सारा जो महाकाल लिखवाया था सारा उतर गया चुन्नी की वजह से। और फिर उस टाइम पे भाग रहे थे ना, अभी से जा करके फिर वो क्लीन करूँगी। इन सबका तो लगा हुआ है, दिखाओ मैं फिर इनका भी आपका भी नोज पे आ गया, बाकी सबका वो दीदी का भी आया हुआ है पूरा फेस पे। और सब यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पे सबका चल रहा है ब्रेकफास्ट। और क्या है? चाय है, पोहा है और इतनी धूप गर्मी है और साथ में गर्मी है, गर्मी बहुत इधर आके बैठ जा, बुरा हाल हो गया है। बस पीछे बैठ करके हम लोग खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे, दिखाती हूँ आप लोगों को बैठ कर। तो यहाँ पे चल रहा है सबका नाश्ता। तो सारे लोग आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए अब। और ये दुल्हन कौन है भाई? नई दुल्हन कौन है ये? नई दुल्हन पहचानो कौन है? हमारी भैया की दुल्हन। कौन है भैया ये नई दुल्हनिया? पता नहीं, हम बोल दिए आप कहाँ से आई हैं, आप हमारे ग्रुप की नहीं है। आईडी कार्ड में नहीं दिखा रही, दिखा नहीं रही है आईडी कार्ड। पैसा देंगे तब दिखाएंगे आईडी कार्ड तो। मुँह दिखाई का पैसा दीजिए तब दिखाएंगे मुँह। अच्छा अब दिखा, प्रसाद ले रहे हैं भैया। तो मंदिर पे अभी यहाँ पे तो भाई महाकाल मंदिर से भी ज्यादा भीड़ है और है ना? गर्मी धूप और वहाँ पे देखिए ये है भैरव बाबा मंदिर। और घंटों की लाइन के बाद अब पहुँचे हैं यहाँ पे मेन। हाँ मतलब मेन अब लाइन में आ गए, डिवाइडर क्रॉस कर लिया है फाइनल। तो देखिए अब कितनी देर में यहाँ से फ्री होते हैं। बाबा ने आज परीक्षा ले लिया। बहुत ज्यादा ही भीड़ है, बस पहुंच गए हैं मेन द्वार पे, लेकिन तब भी अभी भी भीड़ इतनी है, पीछे भी यही हाल है। तो ये है मेन गेट, अब बस जल्दी से दर्शन करें फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बस वेट कर रही है हमारा। यहाँ पे पी जा रही है सिकंजी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, पैर भी जल गए आज तो। कैसी है? पर अभी पहनी हमने। आप पूरा चप्पल पहन के गए थे अंदर तक? उतार के गए थे ना जब वापस आए, जब पैर जले हैं। हम करवा रहे हैं देखिए डीके भैया जी से, इतनी चिलमिलाती धूप में देखिए वो भी नंगे पैर कितनी सेवा कर रहे हैं। देखिए सब लोगों को भोजन करवा रहे हैं यहाँ पे। जितने वाले ने कम हमारे ऊपर तो फोकस किया, जितने चुनाव से खाली नहीं वो लोग, जितने आए हैं दर्शन के लिए श्रद्धालु लोग सबको लंगर करवा रहे हैं। इधर यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु हमारे बैठे हुए हैं, श्रद्धालु भाई बहन, बहन बहन, ये वाइफ, ये भाई साहब, सारे लोग सेवादार लगे हुए हैं। बस सिर्फ और सिर्फ ऋषभ घूम रहा है इधर उधर। तुम्हें कुछ नहीं सेवा करनी है? हैं
तुम्हें नहीं करनी है सेवा कुछ? हाँ, कौन से वाले हो? ये वाले में ना, नदी में या वाले नदी में? वो वाले में। फिर से आ चुके हैं अपने रूम में। तो यही हमारा घर है, ऐसे अभी तो यही हमारा घर है। जो बैग है ये ऐसा लगता है हमारा बेड का सिरहाना है। तो बस पहुंच चुके हैं। गर्मी आज बहुत ज्यादा है, जो दो दिन की कसर थी वो आज हमारी निकल गई है। तो बस भी हमारी चल चुकी है, अब निकल चुके हैं अपने दूसरे दर्शन के लिए। अभी कहाँ जाते हैं वो पहुँच थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाँ, अभी थोड़ी देर में ही पता लगेगा। जब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और बच्चे देख रहे हैं कैसे शोर मचा रहे, पदों पति पदों पति लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आज क्योंकि सुबह जल्दी सोए ही नहीं है, सोए ही नहीं हम लोग, सोए इस वजह से थोड़ी सी नींद लग रही है। बस बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर पहुँचेंगे, उठते हैं, फिर देखते हैं आज कहाँ, अब कहाँ पहुँच रहे हैं ना। और उनको बहुत तेज वाली नींद आ रही है। देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, पहाड़ पहाड़ एकदम बढ़िया, ऐसे लग रहा है वादियों में आ गए हैं। सड़कें भी वैसी जैसे हम लोग शिमला विमला जाते हैं ना। देखिए गाइस कितना जबरदस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है यहीं उतर करके उधर ट्रक देखो कहाँ जा रहा है, इतनी दूर से ट्रक जा रहा है रास्ते। शिमला मनाली से हम लोग जाते हैं ना, वैसे वाले रास्ते होते हैं, वैसे वाले ही रास्ते हैं। देखिए और वैसे हरे हरे पेड़ हैं ये, लेकिन वीडियोस में पता नहीं सूखे सूखे से इतने क्यों दिख रहा है। ये रही ट्रेन की पटरी, और आवाज नहीं आ रही क्योंकि बहुत है। तो जा रहे हैं हम दर्शन के लिए। ये ब्रिज है पूरा, ये है तो कितना बढ़िया लगता है नदी का। सीरियसली इतना सुंदर मंदिर है, देख रहे हो बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी वहाँ पे दिखाते हैं पहुँच के आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से नजारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, अपनी यादें ले जाना चाह रहे हैं सारे लोग। नहीं हम तो बहुत सारी रील बना चुके हैं और इतनी बढ़िया यहाँ पे हवा चल रही है। और हार्ट डालो, हाँ, लेकिन ऐसे ही सो जाए, सुबह उठेंगे और फिर यहीं से नहा करके फिर चले। हाँ, लेकिन फिर अगले दिन पहुँचेगी ट्रेन है और फिर हम टाइम से पहुँचेंगे भी नहीं। आपकी भी हो गई ना टिकट तो? हाँ, उसी में सेम में। चलो सही है, चलिए फिर चलते हैं। फिर अभी कुछ कुछ सामान भी लेना है। कोई बात नहीं, सब लोग अभी बना रहे हैं, बनाने दीजिए, हम लोग चलते हैं, आ ही जाएंगे। अरे भाई नहीं, मैं बंद कर दी थी, मेरा बना रही हूं। ऐसा लो ना, ये देखो क्या क्या, ये देखो, अरे यहां पे है पूरा, मेरा ये बना रही है पूरा मंदिर नाग वाला। हां सर, ये देखो तो छोटा है, नहीं भाई वहां पे नहीं है, इससे रही है, छोटा इनको दिखाओ, इनको नॉलेज है, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है। हाँ सही है, दीदी एक रखूं बस।
तो ले लिए हैं, यहाँ से ले जा रहे हो, अच्छी बात है। चलिए बढ़िया। आज कौन सा दिन है? शिवरात्रि। बाबा को शिवरात्रि अपने घर ले जा रहे हैं बाबा को। अब यहाँ पे ले रहे हैं अपनी बहनों और भाभियों के लिए कुछ कुछ सामान। ये देखिए खा पी के सारा चौपाटी से निकल चुके हैं। और देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। ये सारी खाने पीने का है यहाँ पे इंतज़ाम कि आए और आपको अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे खाने पीने के लिए। लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे गुरुजी आस्था चैनल सीहोर वाले महाराज, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बता रहे हैं, हम भी तो उनसे ज्ञान लेते हैं। और क्या, ज्ञान लेकर के ज्ञान देना